अब तक चकबंदी नहीं हो पाई है जी। और वहाँ पर जो है नाम से ज़मीन कुछ और है और कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर हो रहे हैं। यह समस्या मैं बार बार देता रहता हूँ, आश्वासन मिलता है कि चकबंदी के लिए मैं डाल दिया गया है, जल्दी ही आपके गांव की चकबंदी कर दी जाएगी। उसमें भूमाफिया लोग अपना जितना कब्जा किए हैं, 7.5 बीघा जंगल की ज़मीन है वो पूरी कब्जा है। और मैं बार बार किस गांव में, ये सराय शीतल में है, और सबकी जो है चक पूरा नहीं हो पा रहा है, सभी लोग अपना कब्जा करके अपना ले दे रहे हैं। वह उसमें मैं जंगल लगवाना चाह रहा था, पौधा मैं लगवाया था 300 पौधा पर साल जो है उसको करवा दिया गया। सबसे बड़ी समस्या आपके समक्ष ये है, जी एक चीज़ बताइए, पहले 14वां भी हुआ करता था ब्लॉक प्रमुख का, उसे काट करके ग्राम सभा को दे दिया गया तो कुछ विकास दिखने लगा। इसी तरह MP MLA और विधायक वगैरह का कोटा काट करके ग्राम सभा को दिया जाए तो इसमें क्या आपकी राय है? तो सबसे अच्छी राय ये है कि विधायक जो है हर जगह जा नहीं पाएगा, सुख दुख में शामिल नहीं पाता है। प्रधान है तो 24 घंटा ड्यूटी पर रहता है, अगर 12 बजे रात में किसी की तबीयत खराब हो गई तो प्रधान जग करके जाता है, उसकी समस्या सुनता है, लेकिन विधायक नहीं सुन पाता है। इसीलिए विधायक का जो निधि कट करके अपने ग्राम सभा में दी जाए तो उससे विकास किया जाता है। विकास किया है तो मतलब सहमत हैं आप? हाँ।